नहीं, इस पे राजनीति नहीं हो रहा है। ज्ञान बाबी जो मस्जिद है ना, उसमें छानबीन चालू है। अगर उसमें हिंदू धर्म का कुछ मिलता है तो फिर उनका हक उनको होना चाहिए, जो हिंदू लोग का। अगर नहीं मिलता है तो अगर जो भी दीवार वीवार तोड़ रहे हैं ना, वो उनका सारा काम उसको उससे अच्छा बना करके, बाकायदे मार्बल के नाइट से बना करके उनको देना चाहिए, जो है और सुंदर बना देना चाहिए। और अगर नहीं है, मतलब हिंदू का है, तो फिर जो है उसको खाली करके वहाँ पर जो भी स्थान था, जो भी देवी देवताओं था, वो होना चाहिए। मुस्लिम पक्ष कह रही है कि ये जो है एक फुहारा है, और हिंदू पक्ष कह रही है कि शिवलिंग है। तो वहाँ पे खुद नंदी का है, चूंकि नंदी, एक मिनट कॉल आ रहा है, तो उस पे आपके क्या कहना है? देखिए, इस्लाम धर्म में भी ऐसा लिखा हुआ है कि किसी भी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाना और नमाज पढ़ना जो है जायज नहीं होता है। तो और जिस मस्जिद में ये भी कहा गया कि 6 महीने नमाज नहीं हुआ हो, वो मस्जिद में नहीं रह जाती, नमाज नहीं पढ़ना चाहिए वहाँ पर जो है, फिर मस्जिद नहीं रह जाता है। यहाँ पर एक बदले भावना से सब लोग कहते हैं ना कि ये मस्जिद था, बाबरी मस्जिद था, ये था, जो नमाज पढ़ा नहीं गया तो मस्जिद कहीं रह गया जो है। और हिंदू धर्म की जहाँ तक बात है ना, कि देवी देवता हिंदू या मुसलमान हो, जो भी है, देवी देवता जो नहीं है अपने हृदय में होते हैं, जो है हृदय में बसते हैं, जो है हृदय में जितना काम। लेकिन जितना मैं जानता हूँ कि समय परिवर्तन है, अभी ये समय परिवर्तन हो रहा है। समय परिवर्तन में हमारे भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो नुकसान देखेगा, जो है सबका भला ही होगा, बुरा किसी नहीं होगा। जो है मुस्लिम वाले जो है, जैसे कि जो भी मुस्लिम पक्ष है, वो ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है मुस्लिम को टारगेट कर रही है। नहीं, वो तो एक प्रोपेगेंडा है कि चाहे आज मुस्लिम है ना, जब हिंदू धर्म खाली था, मतलब जो सनातन धर्म था, तब भी 35% जो है राम का बगावत किए थे, कृष्ण भगवान का 35% बगावत किए थे। आज 35% बगावत करने वाले विरोधी पक्ष तो होना चाहिए ना, जो है विरोधी पक्ष नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा। जो है अभी अगर विरोधी होगा तो क्या होगा, जब नेहरू टाइम पे कोई विरोधी नहीं था, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को अपनी जगह पर बैठाते थे कि मतलब चुनाव लड़िए और हवले हार जाइए, लेकिन आप विरोधी पक्ष रहेंगे जो है, तो एक विरोधी मांगता जो है। तो हमारे पास में जो है 35% जो है बदले भाव नहीं, एक विरोधी भाषा है, विरोधी भाषा को मतलब जो है उनकी बात रखने का अधिकार है।